हेलो एवरीवन दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन क्लास एट एनसीईआरटी चैप्टर ऑफ रेशनल नंबर दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ इट्स एक्सरसाइज 1.2 सो द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन फर्स्ट 2 बाय so 3 एंड 4 बाय 5 सो so 2 बाय 3 को हम लिख सकते हैं 2 में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा सो पॉइंट एंड 4 बाई को हम लिख सकते हैं 0. एट सो so, हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है इनके बीच में सो so, इनके बीच में फिर रेशन नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास जीरो पॉइंट इससे छोटा इससे बड़ा एंड इससे छोटा सो so, ये हो जाएगा सिक्स सिक्स से बड़े हो जाएंगे हमारे पास सिक्स सेवन ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन ज़ीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव ज़ीरो पॉइंट सेवन नाइन इस तरह से हम काफ़ी नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास अगर हम यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा सिक्सटी सेवन बाई हंड्रेड सिक्सटी नाइन बाई हंड्रेड सेवन बाई टेन सेवनटी फाइव बाई हंड्रेड एंड सेवनटी नाइन बाई हंड्रेड सो इसी तरीके से हम और भी नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम जीरो पॉइंट सिक्स सेवन वन सिक्स सेवन टू सिक्स सेवन थ्री सो ऑन देन सेकेंड इज माइनस थ्री बाई टू सो माइनस थ्री बाई टू को लिख सकते हैं हम माइनस वन पॉइंट फाइव एंड फाइव बाई थ्री हो जाएगा जीरो पॉइंट यह हो जाएगा हमारे पास वन पॉइंट सिक्स सिक्स सो इनके विषय नंबर हो जाएंगे हमारे पास माइनस वन पॉइंट फाइव एंड वन पॉइंट सिक्स सिक्स so minus 1 minus 0 0.5 0 0.5 1, 1 1.5 1 1.6 and I'm decimal arithmetic numbers using r plus 5 by 10 minus 5 by 10 5 by 10 1 15 by 10 16 by 10 so these are the rational numbers between minus 1.5 and 1.66 Then third is 1 by 4 is 0.25 and 1 by 2 is 0.5 So 0 0.25 and 0 0.5 are the numbers 0 0.25 is bigger and 0 0.5 is smaller So 0 0.26, 0 0.3, 0 0.4, 0 0.45 so on लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर नाइन सो अगर डेस्ट में लटाएंगे सो नंबर हो जाएंगे हमारे पास ट्वेंटी सिक्स बाई हंड्रेड थ्री बाई टेन फोर बाई टेन फोर्टी फाइव बाई हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन बाई हंड्रेड सो सेम इसी तरह से हम और नंबर भी बीच में लिख सकते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट डेस्ट में लगा के हम सेम ऐसे काफ़ी सारे नंबर लिख सकते हैं जिनमें से हमने कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख दिए हैं थैंक यू